जेईई फिजिक्स के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑनलाइन, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बोर्ड पे पहले क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ और साथ साथ का सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन का सिक्स पार्ट है, डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन है सिक्स। थ्री चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 मीटर। फोर मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दीजिए ए बी सी, ए बी सी इस कॉर्नर पर तीन चार्जेस रखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो कूलाम ए बी सी और इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 4 मीटर। इफ द चार्जेस एट ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड वन एट पॉइंट बी इज नेगेटिव, ए एंड सी वाले पॉजिटिव हैं जबकि बी वाला नेगेटिव, ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट सी, सी पे लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये निकालना है सी पे, और सी आपका ये। तो इस पे देखिए ए जो फोर्स आएगा पॉजिटिव लगाएगा जबकि बी वाला नेगेटिव पॉजिटिव को एट्रैक्टिव है। दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय ए एंड दिस बाय बी, वो भी दोनों सेम चार्ज है, डिस्टेंस 4 है, ये भी सेम चार्ज डिस्टेंस 4 है, सॉरी ये भी सेम चार्ज है डिस्टेंस 4 है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों की बिल्कुल इक्वल होंगे, इट्स ओके। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी या बना से निकाल दीजिए 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 100 × 100 और ⁻⁶ × ⁻⁶ × ⁻², और अपॉन R² 16, इट्स ओके। 9/16 इंटू 10⁻⁴, 9, 10, 11, 12, 13 − 12, 1 90 न्यूटन सीधा, ओके न्यूटन। 10 से भाग लीजिए 45/8 न्यूटन, ओके। और अब आप चूंकि दोनों इक्वल हैं तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इसमें नेट फोर्स लग 60 डिग्री, तो ये 120 हो और 120 का हाफ 60, ये 60 डिग्री, तो डायरेक्शन तो सीधा क्या दोगे सी बी डायरेक्शन से ए से अवे 60 डिग्री पर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड आप किस पे निकाल दीजिए, कंपोनेंट ही ठीक रहता है, ठीक है, तो इसके ये कंपोनेंट कैंसिल जाएंगे और ये वाले प्लस हो जाएंगे, सो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए cos 60 प्लस एफ बी cos 60,
एफ एफ इक्वल है तो इधर से जाएंगे दोनों, तो ट्वाइस ऑफ एफ ए कॉस 60, कॉस 60 1.2 है तो कट जाएगा एफ ए जो आया आपके पास, यानी कि 45 by 8 न्यूटन। आठ पंच 40 5, आठ संग 48 2, आठ दिन 16, आठ पंच 40 न्यूटन। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एट 60 डिग्री विद सीबी, विद सीबी अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम ए, जितना ज्यादा ज्यादा संभव हो सके बता सके बता देना चाहिए। ये इसका आंसर है, इस ओके आसानी था, बिल्कुल आसान था। 5.625 आंसर लिखा है, डायरेक्शन इस तरह जाएगी, सी विल रन फॉर सी बी से 60 डिग्री ए से दूर की तरफ, तो कंफर्म हो गया। ये था प्यारे बच्चों इस पिक का पहला क्वेश्चन, जो छठे पार्ट के हिसाब से नेक्स्ट 7th। आप तो दोबारा भी इसको रिप्ले करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन में यही फायदा है, ऑफलाइन में टाइम देना पड़ता है नोट करने के लिए। 7th पार्ट, टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ए पॉजिटिव चार्ज क्यू आर प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट व्हाट पोजिशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, चेक वेदर इट इज स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव है में यूनिट है, पॉजिटिव चार्ज को क्यू बोल रहा है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर ऐसे रखते हैं तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। ये भी वही कंडीशन है, इधर सर जाएगा, यही कंडीशन पॉसिबल है कि ये चार्ज इन दोनों के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, और ये इसके द्वारा अट्रैक्ट और इसके द्वारा रिपल इक्विलिब्रियम का, और इसके द्वारा अट्रैक्ट और इसके द्वारा रिपल, ये तीनों इक्विलिब्रियम में अगर आएंगे तो इस पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन में नहीं आएंगे। माइनस प्लस माइनस, अब आप डायग्राम बना सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये यूनिट वन कूलम, वन कूलम माइनस के, और ये क्यू, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव, इन दोनों का अट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, सेम चार्ज है तो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, तो क्यू को तो मिड पे ही रखना पड़ेगा चाहे ये कुछ भी हो, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो इसलिए ये कुछ पर्टिकुलर होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ बीच में रख देना है, ठीक है, इनमें से कोई एक ले लीजिए। क्वेश्चन पढ़ना, टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू आर प्लेस अलोंग स्ट्रेट लाइन एट व्हाट पोजिशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो पोजिशन क्यू के नीचे ठीक मिड पॉइंट पर
ठीक है, वैल्यू कितनी ऊंची निकालना है तुम्हें, और बताना है स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मिडवे जब मिडवे हो गया तो इसे ए ए कह सकते हो, इसके कारण फोर्स अट्रैक्शन रहेगा और इसके कारण रिपल्सिव होगा, एफ एन एफ टू इक्वल होने चाहिए, एफ वन शुड बी इक्वल टू एफ टू, एफ वन अट्रैक्शन अट्रैक्शन इसके द्वारा आएगा ना, इन दोनों के बीच का फोर्स वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दीजिए, क्यू इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर, और इसके द्वारा रिपल्सिव हो रहा है वन अपॉन फोर परसेंट का किया गया माइनस वन इंटू माइनस वन मतलब वन इंटू वन वन हो जाएगा, फील्ड निकालते हुए फोर्स निकालते हुए माइनस प्लस का काम डायरेक्शन से होता है ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी हुई तो टेक प्रॉपर साइन एलजेब्रिक ध्यान रखेंगे, वन इंटू वन और अपॉन टू ए का स्क्वायर फोर ए के बाई ए स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू वन बाई फोर यानी कि प्लस का 0.25 कूलम इसका आंसर होना चाहिए। ये दोनों बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड, पोजिशन होना चाहिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस, ओके। अब देखिए इक्विलिब्रियम, इसको जरा सा इधर से रखिए, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा और इसका तो उतना होते जाएगा, ये इधर चल पड़ेगा ठीक है, इसमें देखिए जब इधर आ जाएगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग लगाएगा और इसका वीक हो जाएगा, तो इधर चल पड़ेगा, इधर से उधर करते ही, और इसमें क्या होगा जैसे इसको जरा सा इधर किया तो ये भी इधर चल पड़ेगा, ये भी इधर चल पड़ेगा, ऐसे करते इसे क्या होगा, ये इसे रिपेल कर रहा था और ये इसे अट्रैक्ट कर रहा था, इसको उधर चल जाएंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्सन उतना होते रहेगा ठीक है, अगर ये गए मात इसको जरा से इधर किया तो इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, इनके बीच का अट्रैक्शन कम हुआ, ये ऐसे आएंगे ये थोड़े दूर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जरा सा सरकाते ये दोनों मिलने की कोशिश करेंगे और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी बाल बाल अटका हुआ है ये ये इक्विलिब्रियम में तो है पर स्टेबल नहीं है, जरा से भी हट गया तो बस बिगड़ जाएगा मामला, आप अलग से भी इस वक्त को समझें, एक सीधी बाउल और एक उल्टी बाउल में एक स्मॉल ग्लास स्फीयर बीच में छोड़ दें और यहां जेंटली ऊपर अटका दें, ये दोनों इक्विलिब्रियम में शांत है, इसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको जरा सा हिला के छोड़ दें तो यही पे आ जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जरा सा हिला तो नीचे गिर जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा तो इक्विलिब्रियम जरा सा हिला देने पे वहीं पे आ जाए तो स्टेबल, और जरा सा हट गया तो हट ही जाएगा वहां से, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, बार बार अटका हुआ था, जरा सा हटेगा तो हट ही जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इस जगह में जरा से उसको हटा रहे हैं तो भाई सिस्टम बिगड़ रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ओके अब मैं इस बार नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें नेक्स्ट पिक है, एक पिक में दो ही क्वेश्चन थे, फॉर नेक्स्ट पिक दूसरी वीडियो बनेगी।